हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग में कहते हैं हम अध। अध का मतलब होता है आधा यानी के हाफ, जैसे अध खिला या अध पका। उसके बाद है अन। अन का मतलब होता है नहीं या अभाव, किसी चीज की कमी, जैसे अनमोल या अनपढ़। उसके बाद है उन। उन का अर्थ होता है कम यानी के, जैसे उन तीस, तीस से एक कम, ठीक है, और इसी प्रकार उनतालीस। कु का अर्थ होता है बुरा, जैसे कु पुत्र, बुरा पुत्र और कुमार्ग। चौ का अर्थ होता है चार, जैसे चौराहा, चार राहों वाला, और इसी प्रकार चौमासा। दू, दू का अर्थ होता है बुरा, जैसे दुस्साहस, ठीक है, बुरा साहस, और इसी प्रकार दुबला। उसके बाद है नी। नी का अर्थ होता है बिना या रहित, जैसे निकम्मा यानी के बिना काम का, और निडर। उसके बाद है भर। भर का अर्थ होता है पूरा या ठीक, जैसे भर पेट यानी के पेट का पूरा भरना, भरपूर, इसी प्रकार है। उससे आगे जो है श, स का अर्थ होता है सहित या अच्छा, जैसे सरस, रस के साथ यानी कि जिसके अंदर रस हो, सपरिवार। उसके बाद है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना, जैसे बिना कहे या बिना मांगे, ठीक है। तो ये थे हमारे हिंदी के कुछ उपसर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इनको नोट करें साथ के साथ, ठीक है। बोर्ड के आपको साफ साफ बोर्ड के ऊपर आपको ये दिखाई दे रही है, आप इनको लिखें और याद करें। उसके बाद हम करते हैं अरबी या फारसी के उपसर्ग। तो सबसे पहला इसके अंदर बे। बे का अर्थ कहता है बिना, जैसे बेचैन यानी के बिना चैन के या बेकसूर। उसके बाद है बा। बा का अर्थ होता है सहित, जैसे बा इज्जत या बा अदब, ठीक है। उसके बाद बद। बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदसूरत या बदनाम। उसके बाद है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कमजोर या कम उम्र। उसके बाद है खुश। खुश का अर्थ जो होता है वो होता है अच्छा, और जैसे शब्द बनेंगे जैसे खुश नसीब यानी के अच्छे नसीब वाला या खुश किस्मत। उसके बाद है शब्द गैर। गैर का अर्थ होता है अलग या भिन्न, जैसे गैर कानूनी, ठीक है, यानी के कानून से अलग या गैर हाजिर। उसके बाद है ना। ना का अर्थ होता है नहीं, जैसे नालायक या ना समझ। उसके बाद ला। ला का अर्थ होता है नहीं या लापरवाह या लावारिस, यानी के लापरवाह, जिसको परवाह नहीं है। उसके बाद हमारा हम। हम का मतलब होता है, हम का मतलब जो होता है वो होता है समान या सा, जैसे हम उम्र यानी के हमारी उम्र के समान के या हम शक्ल। उसके बाद जो लास्ट है इसके अंदर है सर। सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे सरताज यानी कि मुख्य ताज या सरपंच, जो पंचों में मुख्य है सरपंच, ठीक है। इसके बाद संस्कृत के और अंग्रेजी के उपसर्ग हम देख लेते हैं। संस्कृत के जो अव्यय है उनका प्रयोग हम उपसर्ग की तरह ही करते हैं। कौन कौन से हैं वो, जैसे अंतर। अंतर का मतलब होता है भीतरी, जैसे इसको शब्द बनाएंगे हम इसके, जैसे अंतरराष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के भीतर का, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और अंतर जातीय। अतः। अतः का अर्थ होता है भीतरी, जैसे अंतःकरण या अंतर आत्मा या अंतयात्मा। अध। अध का अर्थ होता है नीचे, जैसे अधोगति या अधो पतन। चिर। चिर का अर्थ होता है बहुत या देर, जैसे चिरकाल, बहुत काल तक, या चिरायु, बहुत आयु तक। पुरा का अर्थ होता है पहला या प्राचीन, जैसे पुरातत्व या पुरातन। इसके बाद बही। बही का अर्थ होता है बाहर, जैसे बहिर्मुख, बाहर की ओर मुख या बहिष्कार। इसके बाद हमारा शब्द सत। सत का अर्थ होता है सच्चा, जैसे सत्कर्म, सच्चे कर्म या सत्संग, सच्चे आदमियों का संग, ठीक है, सत्संग।
सह, सह का अर्थ होता है साथ, जैसे सहपाठी साथ पढ़ने वाले या सहयोगी। उसके बाद पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर या दोबारा, जैसे पुनर्जन्म दोबारा जन्म या फिर जन्म लेना, पुनर्विचार द्वारा विचार। उसके बाद जो हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग बसते हैं उनके अंदर कहते हैं हम चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, जैसे चीफ मिनिस्टर या चीफ कमिश्नर। उसके बाद है हमारा असिस्टेंट, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक, जैसे असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट टीचर। उसके बाद है जनरल, जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर या जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद सब, सब का अर्थ होता है नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर यानी के इंस्पेक्टर के नीचे या सब जज, जज के नीचे जो काम करते हैं। हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य, जैसे हेडमास्टर या हेड क्लर्क। उसके बाद है हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, जैसे मेरे को जैसे हाफ टिकट चाहिए या हाफ प्लेट चाहिए। इस प्रकार ये हम उपसर्ग कर चुके हैं। ये आज का भी जो वीडियो है हम यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जी का, उसमें हम करेंगे प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर जो उपसर्ग का हमारा टॉपिक था वो क्लियर होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या कुछ कहीं कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपको पूरी डिटेल इसकी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगले वीडियो के पार्ट टू में हम मिलते हैं प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।